व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक शो की एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, गाइस T20 मैच होने जा रहा है। गाइस दो टीमें बनाई हैं, टीम ए टीम बी। टीम ए में गाइस आते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स। टीम बी में गाइस आते हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स। गाइस दोनों ही टीमें ना धांसू बनी है। दोनों टीमों में मैं ऐसे प्लेयर्स रखूंगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे गाइस कि कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग है। तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए, इस चैनल पर इस तरह की कंपैरिजन वीडियोज़ आती रहती हैं। तो चलिए गाइस फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले बनाते हैं इंग्लैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस पाकिस्तान टीम ए। गाइज ओपनिंग की बात करूं तो डेविड एक्सक्लूसिव वार्नर वहां पर आने वाले हैं, नो डाउट। डेविड वार्नर गाइज धांसू बैट्समैन है, T20 में इनका सिक्का चलता है। इनका साथ देने के लिए गाइज बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास, एरन फिंच का ऑप्शन है, यहां पर जेसन रॉय का ऑप्शन है, लेकिन गाइज मैं गया मोहम्मद रिजवान के साथ। जी हां गाइज, पाकिस्तान का ये बंदा जो कि इस टीम की विकेट कीपिंग भी आपको करते हुए नजर आएंगे, गाइज अभी काफ़ी नाम कमाया है इन्होंने T20 में और काफ़ी तूफानी पारियां खेलते हैं। स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है इनका T20 में और लगातार प्रदर्शन करते हैं, जिस वजह से मेरी इस टीम का हिस्सा है। और लेफ्ट राइट इनका कॉम्बो भी बन गया वार्नर रिजवान। नंबर तीन पर गाइस बाबर आजम आने वाले हैं, जो कि मेरी इस टीम की कैप्टनसी भी आपको करते हुए नजर आएंगे। नंबर चार की बात करूं तो गाइस जॉस बटलर गाइस मिडल ओवर्स में आएंगे और तूफानी पारी खेलेंगे। इनका एक ही गियर है, सीधा फोर्थ गियर में ही खेलते हैं ये, इनका पहला दूसरा गियर तो आता ही नहीं है। नंबर पाँच पर गाइस ग्लेन मैक्सवेल द बिग शो, जो कि गाइस आपको बॉलिंग के ऑप्शन तो देंगे ही लेकिन तकड़ी पावर हिटिंग ये भी करने वाले हैं। गाइस क्या बात है, क्या टीम ये लग रही है, वार्नर रिजवान आजम बटलर मैक्सवेल और गाइस नंबर छः पर लियम लिविंगस्टन। गाइस धांसू टीम बनने वाली है ये, क्या इंडिया साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ की टीम इतनी स्ट्रांग बनेगी कि इस टीम को टक्कर देगी, देखने वाली बात होगी। गाइस नंबर सात पर आने वाले हैं बेन सुपरमैन स्टोक्स। ओह माय गॉड, बटलर मैक्सवेल लिविंगस्टन स्टोक्स लिविंगस्टन पेन स्टोक्स, गाइस काफ़ी खतरनाक ये टीम लग रही है। क्या गाइस दूसरे टीम के बॉलर्स इनको रोक पाएंगे। नंबर आठ पर गाइस आने वाले हैं जॉफ्र आर्चर द बाउंसर किंग और गाइस नंबर नौ पर आने वाले हैं मिचेल स्टार्क द यॉर्कर किंग। यॉर्कर किंग बाउंसर किंग एक ही टीम में खेलेंगे तो तबाही ला देंगे। नंबर दस पर गाइस आने वाले हैं शाहीन शाह अफरीदी। गाइस फास्ट बॉलिंग भी देखिए इस टीम की ज़रा, जॉफ्र आर्चर मिचेल स्टार्क शाहीन शाह अफरीदी और गाइस नंबर 11 पर आने वाले हैं एडम जंपा। तो गाइस ये टीम तो ना धांसू बन चुकी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है ये टीम धांसू टीम है गाइस। वार्नर रिजवान बाबर आजम बटलर मैक्सवेल लिविंगस्टन स्टोक्स आर्चर स्टार्क एडम जंपा शाहीन शाह अफरीदी। तो गाइस क्या अभी इंडिया साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसी बनेगी कि इस टीम को टक्कर दे पाएगी। चलिए गाइस बनाते हैं और इस टीम को हराते हैं, टेंशन मत लीजिए, अच्छी टीम बनेगी, तकड़ी टीम बनेगी इंडिया की भी। तो टाइम वेस्ट किए बिना गाइस बनाते हैं टीम बी। गाइस ओपनिंग पर नो डाउट रो सुपर हिटमैन शर्मा आने वाले हैं, जो कि गाइस मेरी इस टीम की आपको कैप्टनसी भी करते हुए नजर आएंगे। इनका गाइस साथ देंगे क्विंटन डिकॉक, जो कि इस टीम की विकेट कीपिंग करेंगे। लेफ्ट राइट इनका भी गाइस कॉम्बो बन गया और मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी साथ में खेले हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने। नंबर तीन पर गाइस किंग कोहली, विराट कोहली, रन मशीन कोहली। हालांकि रन मशीन कोहली के अभी रन्स निकल नहीं रहे, लेकिन गाइस अगर आप टीम बना रहे हैं ना तो आप इनको बाहर नहीं कर सकते, इतने तगड़े प्लेयर हैं ये। नंबर चार पर गाइस कमाल लाजवाब राहुल, ये तो गाइस वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर हैं और T20 के तो ज़बरदस्त प्लेयर हैं। T20 ODI में तो सिक्का चलता है राहुल का, अगर ओपनिंग पर जगह नहीं बनी तो नंबर चार पर भी ये खेल सकते हैं। नंबर पाँच पर गाइस मैंने रखा है शेमरन हेटमायर को, सूर्य कुमार यादव की मैं जगह बनाना चाहता था इस टीम में लेकिन नहीं बना पाया। गाइस और भी कंट्रीज़ के प्लेयर्स रखने हैं ना, वेस्ट इंडीज़ के भी चाहिए, तो वेस्ट इंडीज़ का पहला प्लेयर जो खेल रहा है वो खेल रहा है शेमरन हेटमायर। नंबर छः पर गाइस हार्दिक कुंफू पांड्या, बॉलिंग के ऑप्शन देंगे आपको और नीचे आकर धांसू मैच फिनिश करेंगे, और मैच फिनिश यही नहीं करेंगे, इनके कंधों पर भार नहीं है। नंबर सात पर इनका साथ देंगे आंद्रे रसल द मॉन्स्टर हार्दिक पांड्या, ऐसा फिनिशर खेलेंगे इस टीम में। अगर वहां पर लिविंगस्टन और बेन स्टोक्स ऐसा फिनिशर खेल रहे हैं तो यहां पर पांड्या और रसल का कॉम्बो है गाइज, तकड़ी बन रही है ना टीम गाइज। अगर वहां पर इतने तकड़े प्लेयर हैं तो यहां पर हमारे पास रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, कोहली, KL राहुल, शेमरन हेटमायर,
हार्दिक पांड्या और आंद्रेयास। शमन हटमाया जो है गाइस ये भी फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। राजस्थान के लिए आप लोगों ने देखा होगा अच्छा खासा प्रदर्शन किया था इन्होंने। नंबर 8 पर गाइस कगिसो रूथलेस रबाडा। अगर वहां पर जोफ्रा आर्चर है ना तो हमारे पास कगिसो रूथलेस रबाडा है। अगर गाइस वहां पर मिडिल स्टॉक है तो नंबर 9 पर यहां पर आने वाले हैं एनरिक नोकिया। रबाडा और एनरिक नोकिया की जोड़ी आप लोगों ने देखी होगी जब दिल्ली के लिए खेलते थे और गाइस साउथ अफ्रीका के लिए भी ये खेलते हैं, आग लगा देते हैं ये दोनों गाइस। 150 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करते हैं एनरिक नोकिया। नंबर 10 पर गाइस बूम बूम जसप्रीत बुमराह। रबाडा और नोकिया एक तरफ और उनको साथ मिल जाए बूम बूम जसप्रीत बुमराह का तो गाइस फास्ट बॉलिंग देखिए जबरदस्त। और गाइस वहां पर स्पिनर एडम जाम्पा था, हमारे पास तो यूसी चाहल आने वाले हैं नंबर 11 पर। तो गाइस टीमें दोनों ही जबरदस्त बनी हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर दोनों ही टीमें दिख रही हैं। गाइस मेरा काम था टीमें बनाना, अभी गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए टीम ए ज्यादा स्ट्रांग है या फिर टीम बी। अगर T20 मैच होगा तो बाबर आजम की टीम जीतेगी या फिर रोहित शर्मा की टीम जीतेगी। और गाइस हमारी इस वीडियो को ना आप लोग लाइक करना मत भूलना, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो लाइक का बटन हिट नहीं करते गाइस दबा दिया करो, एक सेकंड भी नहीं लगता ब्रो। एंड गाइस हमारी इस वीडियो को अपना वह मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।